तो नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। होप कैसे हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। और हम भी तो ठीक ही हैं दोस्तों, और आप लोग बताइए कैसे हैं, देख सकते हैं। और हम तो पहले डेली डेली कहते थे माता रानी कैसे अच्छे से रखे रहे, माता रानी अच्छे से रखे रहे, लेकिन अब तो दिल ही नहीं करता है माता रानी को कहने के लिए कि माता रानी अच्छे से रखे रहे सबको। लेकिन उम्मीद है दोस्तों, मेरी दुआ है आप लोग कहीं भी रहे सही सलामत रहे, अच्छे से रहें। बस दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं आप लोग से, आप लोग बताइए कैसे हैं दोस्तों। आप लोग से ही उम्मीद से हम जो है कि वीडियो बनाने लगे, और हम सोचे कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग आगे से आगे बढ़ाएंगे कि सबकी किस्मत आप लोगों के हाथ में है। सबकी किस्मत आप लोगों ने बदल दी है दोस्तों, क्या मेरी किस्मत आप लोग नहीं बदल सकते हैं? अगर जो कोई गिरा इंसान है दोस्तों, अगर जो आप उठा देंगे तो क्या आपको भला, बहुत भला मेरी दुआ लगेगी, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाएगी दोस्तों। आप लोग से यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, एक मतलब ठंडी महीना था तो एक जिसे जिसको पाले थे हम, और जिसको पाले थे उसकी वो जो घूमने गई तो एक छोटा सा मतलब पिल्ला था, दो तीन पिल्ले थे तो उसमें से एक पिल्ली थी, तो हमारे यहाँ जो है कि दांत में दबा दबा कर लेकर आ रही थी। लेकिन हमने जो है उसको कह भगा दिया, कहे लेकर जाओ यहाँ से, और ले जाकर हम जो है धान में ले जाकर फेंक दिए थे उस बच्ची को, उस मतलब कुत्ती को फेंक दिए थे दोस्तों। लेकिन वह दांत में दबा दबा कर मेरे घर के अंदर लेकर आई थी, उसकी आंख नहीं खुली थी दोस्तों। लेकिन 8 दिन तक वह भूखी प्यासी जिसको हम पाले थे वो बाहर बैठी थी दोस्तों। लेकिन हमने सबने कहा अगल बगल की, जाने दीजिए इसको भी पाल लो, दूध दूध जो है तुम्हारे पास गाय है जिला दो, किसी की ज़िंदगी बना दो तो ठीक रहेगी दोस्तों। हम भी उसके दुलार प्यार में इतने बड़े कर दिए कि आप लोग हमारी वीडियो देखिए, उस वीडियो में कितनी बड़ी हम कर दिए उसे, और इंसान की तरह रहने लगी। खाना मांगती थी, खाना मतलब अपने भाषा में बोलती थी, भूख लगती थी तो फ्रिज का बिना पानी पिए दोस्तों वो रहती नहीं थी, उसको ठंडा पानी बहुत पसंद था। और दिन में कहीं 2-3 बार नहाती थी, पानी भर कर रख देते थे दोस्तों, तो पानी के अंदर बैठ कर खूब अच्छे से नहा लेती, शैम्पू लगा देते थे, और जो भी हम कहते गुजर की कहाँ हो तुम, इधर आओ, ये बिस्किट लाए हैं, बिस्किट नहीं सिर्फ मीट मच्छी यही सब खाती थी दोस्तों, दूध पीती थी। लेकिन दोस्तों मेरी गलती है, हमारी किस्मत में न प्यार है और न किसी का जो है कि मुझे सहारा मिलता है, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, हमने मेरी किस्मत में इस ज़िंदगी में ऊपर वाले ने लिख कर नहीं भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है। मुझे तो प्यार कभी ज़िंदगी में मिला नहीं, और ठोकर में मुझे मिलता चला आया है। लेकिन फिर भी हम जो है कि ये कहते जाने दीजिए, जितने किस्मत में है वही होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी हमने ये भी सोच लिया था कि मेरी किस्मत में नहीं है तो क्या किया जाए, जो तकदीर ने लिखा है वही होगा, जो लिख कर जो करके आए हैं तो भोगेंगे ही। लेकिन फिर भी दोस्तों कि हम अपने नहीं खाते थे उससे खिलाते थे, और जो है कि उस दिन रविवार का दिन था, गलती हमसे यह हो गई, एक बगल में लड़का था तो बैठा घर पे आके, तो कहे चाची आप जाइए और हम जो है आप ही घर बैठे हैं, तो हम कह बाबू देखना कहीं भागे ना, भाग जाएगी तो रात का समय है, कहाँ ढूंढेंगे, घर पे कोई है भी नहीं। तो दोस्तों हम पीछे चले आए अपने, मतलब शाम हुई थी तो सोचे पीछे से मतलब वहाँ से चले आ रहे हैं तो खाना वाना बनाएंगे। अब दोस्तों जितना मुझे दर्द रहेगा, जितना मुझे केयर करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा दोस्तों, बस उतने ही में चली गई। बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिली, और जितने देवी देवता हैं सबसे हमने मन्नतें मांगी, सबसे हमने क्या क्या मन्नत मांगी कि कहीं भी रहेगी वह चली आए। क्या माता रानी इतना नहीं कर सकती है कि मतलब जो है भूखा है प्यासा है, एक जानवर को अगर जो मैं जिला रही हूँ, खिला पिला रही हूँ, तो उस जानवर को थोड़ा सा कहीं भी रहती तो भेज देती, क्या माता रानी का यह नहीं फर्ज बनता है? आखिर में हम जानवर का ही पेट पाल रहे हैं दोस्तों, और आप बताइए दोस्तों।
वह कुत्ता काट लिया होगा, कहीं मर गई होगी लड़कर। मुझे तो पता है, मुझे यकीन है दोस्तों कहीं मर गई होगी, क्योंकि जो सुख उसको मिला था। अब हम आपको, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इतना तड़प रही हूँ कि आप मेरे दर्द को समझिए। लेकिन दर्द कौन समझता है, दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं कि जो जानवर को नहीं कुछ समझते हैं, जानवर को समझते नहीं है दोस्तों, हमने अपनी आँखों से देखा है। और तो और इंसान को, इंसान को कोई पानी तक नहीं देता, एक एक वक्त की रोटी नहीं देता है कि मेरा घट जाएगा। दोस्तों मेरे दरवाजे पे कोई आता है, हम नहीं खाते लेकिन हम खिला देते। आज मुझे इतनी नफरत हो गई है देवी देवता से, माताओं से, कि हम आपसे क्या बताएं। हम उनका नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं दोस्तों, लेकिन दिन में तो हमारे दिन बीत जाता है दोस्तों, लेकिन मेरे रात नहीं बीतता है कि मैंने कैसे, मैं अगर गई नहीं होती, किसी का भरोसा नहीं किया होता तो आज मेरे पास रहती दोस्तों। बस आप लोग मुझे दुआ दीजिए, मेरी दुआ कबूल करिए दोस्तों, कि वो कहीं भी रहे अभी तक आ जाए। बहुत ढूंढे, कहाँ नहीं ढूंढे दोस्तों, इसके लिए हम बीमार भी पड़ गए थे लेकिन नहीं मिली। पता नहीं किस जन्म की सज़ा मुझे मिल रही है दोस्तों। अब तो मुझे सबसे दिल टूट गया है दोस्तों, अब नहीं, देवी देवता का नाम भी नहीं हम लेना पसंद करते हैं। और दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, दिल बहुत दुखी रहता है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और हम भी अच्छे नहीं, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है, और सब ओपनिंग बनाते हैं, सब ओपनिंग करते हैं, और वही आप लोग देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा समाज सुधार बनाओ, सब लोग देखे, पब्लिक देखे, वैसे तो बनाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इतने गिर चुके हैं दोस्तों कि हम उठना भी नहीं पसंद नहीं करते, या ना कोई मुझे उठाना चाह रहा है। बस अब मुझे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों कहीं भी रहे मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आगे से आगे बढ़ाइए दोस्तों। बस आप लोग से ही उम्मीद है हमसे, उम्मीद रखते हैं। और दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं, कहीं भी रहे सही सलामत रहे, और सही सलामत से मेरे घर आ जाए। बस आप लोग से हाथ जोड़कर यही विनती और विनती करते हैं, और यही भीख मांग रहे दोस्तों, प्लीज़ कहीं भी रहे दुआ करिए, कहीं भी रहे चले आए दोस्तों। बहुत दर्द होता है अगर जो कोई छोटेपन से पाला पोसा रहता है, इंसान क्या समझता है, इंसान कुछ नहीं किसी को समझता है दोस्तों। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत मतलब की है, एक दिन तो मर ही जाना है। बस उम्मीद छोड़ दिए हैं, और आप लोग मेरा भी उम्मीद तोड़ रहे हैं दोस्तों। क्यों आखिर कमेंट में लिखिए, क्यों मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती आप लोग, क्या कैसे बनाए हम कि आप लोगों को अच्छी वीडियो लगे दोस्तों। समझ में नहीं आता हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहें खुश रहें। बस मेरी दुआ यही रहती है, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आगे से आगे बढ़िए।